पिंक लाइन पर चालक रहित मेट्रो के परिचालन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त ने कॉरिडोर के सिग्नल सिस्टम के निरीक्षण का काम भी पूरा कर लिया है। इसीलिए पिंक लाइन पर चालक रहित मेट्रो रफ्तार भरने के लिए तैयार है। अब सिर्फ CMRS से मंजूरी मिलने की दरकार है। यह प्रक्रिया भी कुछ दिनों में ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद पिंक लाइन पर जल्द ही चालक के बगैर मेट्रो रफ्तार भरने लगेगी। तब दिल्ली मेट्रो के 96 किलोमीटर नेटवर्क पर चालक रहित मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल फेज 3 में मजेंटा लाइन व पिंक लाइन पर संचालित आधारित ट्रेन कंट्रोल सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इन दोनों कॉरिडोर पर चालक रहित मेट्रो का परिचालन हो सके। मौजूदा समय में 37.50 किलोमीटर लंबे मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटनिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो रफ्तार भर रही है। पिछले साल 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। पिछले 6 अगस्त को पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पकेटे के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था। तब पिंक लाइन के पूरे हिस्से पर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो सकी, लेकिन अभी इस कॉरिडोर की मेट्रो में ऑपरेटर मौजूद होते हैं। बताया जा रहा है कि चालक रहित मेट्रो के परिचालन के लिए ट्रायल भी हो चुका है।